वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ एंड दिस इज मीनाक्षी सिंह। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे रिवीजन। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और ये आप लोगों के लिए रिवीजन रहेगा। तो अब जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ तो रिवीजन ही करवाऊँगी, ठीक है। जितना भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है सारा मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने वाली हूँ। स्टार्ट करें? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट आज तो वैसे ही हो गया। सो जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ में आप सभी का वेलकम है। आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन मेरे साथ और क्रैक कर सकते हैं नेट जीआरएफ सेट पीएचडी यूपीएचसी यूपीपीजीटी एंट्रेंस एग्जाम। तो पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर वन दोनों यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करा रही हूँ। प्रिपेयर आप कर सकते हैं, यहाँ पर अभी क्रैश कोर्स चल रहा है और दूसरा जो कोर्स है वो है रिविजन कोर्स। तो प्लस में अभी ये दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है हम लोग पेपर वन में अभी एमसीक्यूज कोर्स चल रहा है, एमसीक्यूज के थ्रू ही रिवीजन चल रही है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्विजेज, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए देखो और भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के लिए टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, ठीक है। टेस्ट कंडक्ट होते हैं आजकल, तो जो है आप लोगों के लिए एवरीडे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो जाए टिल 10th अक्टूबर, क्योंकि 11 अक्टूबर को आप सबका एग्ज़ाम है। इसीलिए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है और भी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो 2500 का पड़ेगा, 3 मंथ का 5500, 6 मंथ का 8500 और 12 मंथ का 15900 का पड़ जाता है। अभी थोड़े टाइम बाद सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो टीम से ये चीज़ पता लगी कि ये बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज। अगर आप बच्चे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी, तो ये देखो ये स्पेशल क्लासेस के हैं। तो आप लोगों को वाइज ऐप इंस्टॉल करना है। वाइज ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस में जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पर लॉगिन करोगे, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, अपनी मेल आईडी से, फ़ोन नंबर से कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद आपका वहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के बाद आपसे पूछा जाता है कि यू आर अ टीचर और स्टूडेंट, तो आपको लॉगिन करना है एज अ स्टूडेंट। और क्लासरूम आईडी क्या डालनी है, 2606256662, ठीक है। तो ये आपको स्टूडेंट आईडी डालनी है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है इसमें आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। वन मिनट वेट। ठीक है, सो जो भी बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, इसमें देखो मैं आप लोगों को पीडीएफ्स और सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारा चैनल लगता है बेनिफिशियल है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डेली 4 PM फ्री क्लास होती है आप लोगों के लिए, तो आ सकते हैं। देखो मंडे को होती है आप लोगों की कहाँ पर, वाइज ऐप पर। तो ये बिल्कुल फ्री क्लास होती है वाइज ऐप पर, बिल्कुल फ्री,
ठीक है, ये फ्री क्लास होती है वाइज ऐप पर, तो जो भी बच्चे आना चाहता है आ सकता है मंडे को। और आप लोग 1 मंथ टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपको कितने प्राइस की पड़ जाएगी? 500 की। ये 500 की पड़ जाएगी। इसमें आपको एवरी डे इसमें कितने 50 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो जो बच्चा अगर ये टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ले सकता है। इसमें आप लोगों को पता है कितने सेट मिलेंगे? 35 सेट मिलेंगे, 35 मॉक टेस्ट सेट्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। पेपर 1 के भी होंगे और पेपर 2 के भी होंगे, बट ज़्यादातर पेपर 2 के होंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं। तो रिविज़न में आप लोग देख ही सकते हो। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली लास्ट मिनट रिवीजन है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। चलो मेरे एक स्टूडेंट के ये नोट्स हैं तो उसे ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो, सो कैन द सबल्टन स्पीक किसकी है? कैन द सबल्टन स्पीक गायत्री स्पीवाक की है। तो गायत्री स्पीवाक से जो ये आ जाता है आप लोगों का कैन द सबल्टन स्पीक, ठीक है। तो कैन द सबल्टन स्पीक की जो आप लोग देख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये किसकी है? गायत्री स्पीवाक की, जो आप लोगों को इमेज में नजर आ रही है, तो ये गायत्री स्पीवाक है। गायत्री स्पीवाक ने अपने इस एसे में कैन द सबल्टन स्पीक में वो क्या बताती हैं? वो बोलती हैं कि एबोल्यूशन कर दो हिंदू राइट्स का ऑफ सती इन इंडिया, ठीक है। वो कहती हैं कि भैया देखो क्या करना है, ये बोलती हैं गायत्री चक्र जो गायत्री आपकी हैं, ठीक है, गायत्री स्पीवाक हैं, तो ये गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक ने कैन द सबल्टन स्पीक में ये तर्क दिया कि अंग्रेजों द्वारा भारत में सती प्रथा, जो सती थी, सती के हिंदू संस्कार के उन्मूलन को आमतौर पर गोरे पुरुषों में भूरी महिलाओं को बचाने वाले गोरे पुरुषों के रूप में समझा गया। यानी कि वो बेसिकली ये जनरली अंडरस्टूड किया जाता है वाइट मैन सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, ठीक है। तो ये बेसिकली, ये देखो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि वाइट मैन सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, वाइट मैन सेव कर रहा है ब्राउन वुमेन को ब्राउन मैन के लिए, तो ये बेसिकली किसकी है? ये हमारे गायत्री स्पीवाक की। इनका पूरा नाम गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक था, ये ध्यान रखना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, आ क्रिटिक सबल्टन थ्योरी, पद्मभूषण, देखो सबल्टन थ्योरी से ये रिलेटेड हो जाती हैं, और क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन 1999 की है इनकी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, कौन है ये? ये है कैनेथ वॉल्स। तो कैनेथ वॉल्स की मल्टीपल लॉजिक ऑफ अनार्की है ना। तो इन्होंने 3 लेवल्स बताए थे, जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को तो ये 3 लेवल्स बताते हैं। कौन कौन से? इन्होंने मैन स्टेट एंड वॉर, ठीक है। आप लोगों को भी जो जो याद हो तो बताते हुए चलना जल्दी जल्दी, ठीक है, आप लोग भी बताते हुए चलना। आप लोगों के लिए अब मैं 10 दिन ऐसे ही करवाने वाली हूँ, और आपको, आप सोच रहे होगे एमसीक्यूज मैम ने रोक दिए, नहीं बेटा, आप लोगों के लिए एमसीक्यूज नहीं रुके हैं। कल मैं, आज मैं आप लोगों को क्या करूंगी, एक पेपर दूंगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आप लोगों को एक पेपर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप लोगों को जो पेपर है वो ले लेना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, और उसकी आंसर की मैं आप लोगों को नाइट में दे दूंगी, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो आप लोगों को पेपर जो दूंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सो डोंट वरी कि पेपर जो होगा वैसे सिर्फ इंग्लिश हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, नहीं, दोनों में दूंगी, तो वहां से ले लेना। तो 3 लेवल्स जो इन्होंने बताए थे कैनेथ वॉल्स ने, जब ये, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं, 1959 की बुक भी है बेटा ये, मैन स्टेट एंड वॉर, और इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं क्या वॉर के कॉजेस की कॉज, ये मतलब वॉर होता ही क्यों है, ठीक है, वॉर के क्या कारण है। तो वॉर के कारणों को इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था 3 लेवल्स पर। तो पहला लेवल इन्होंने क्या बताया? इंडिविजुअल का। दूसरा लेवल इन्होंने क्या बताया? स्टेट का। और तीसरा लेवल बताया था इंटरनेशनल सिस्टम का, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये किसकी फोटो है? नेपोलियन की, है ना, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये नेपोलियन है। तो इन्होंने स्लीपिंग जाइंट कहा था कि अभी एक राक्षस सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जिस दिन वो जागेगा ना उस दिन पूरी तबाही मचा देगा। और ये इन्होंने किसके लिए बोला था? स्लीपिंग जाइंट किसको कहा था? चाइना को कहा था। और सच में देख लो क्या कर रहा है वो, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो स्लीपिंग जाइंट बेसिकली नेपोलियन बोलते हैं, ठीक है,
स्लीपिंग जाइंट बेसिकली चाइना को बोलते हैं नेपोलियन, और आखिरकार इन्होंने स्लीपिंग जाइंट चाइना को क्यों कहा था, ठीक है, व्हाई डिड नेपोलियन से चाइना इज अ स्लीपिंग जाइंट। तो फेमस इनका फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे ये एंड एम्परर थे नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने कहा कि भैया देखो एक जो एक सोता हुआ विशालकाय है ना, एक सोता हुआ विशालकाय राक्षस है, उसे सोने दो क्योंकि जब वह जागेगा तो जगत को हिला देगा। और चीन के संदर्भ में वो ऐसा कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए काफी जो भविष्यवाणी थी, जो केवल 1821 तक जीवित रहे थे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा ओपिनियन रूल्स एवरीथिंग, किसने बोला था ओपिनियन रूल्स एवरीथिंग, कौन बोलता है, पेपर में आया है ये, यस आया है ओपिनियन रूल्स एवरीथिंग, किसने बोला था, नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था, ठीक है। अच्छा आप लोगों को एक बार पता होगा, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, एक बार का वक्ता हमेशा का वक्ता होता है। अच्छा ये बेसिकली क्वेश्चन आता है कि किसके फेवर के लिए बोला जाता है, किसके फेवर में बोला जाता है, वेरी गुड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्ज की है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, वेरी गुड सुजाता, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड रश्मि, स्टूडेंट मिनी, चंदन, विजय, यस, ऑलवेज अ स्पीकर, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। तो ये जो पोजीशन है स्पीकर की, तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के लिए बोला जाता है, एक बार का वक्ता हमेशा का वक्ता बोला जाता है, क्योंकि वहां पर जो स्पीकर की पोजीशन होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, एक बार यूनाइटेड किंगडम में ना एक परंपरा है कि एक बार जब अध्यक्ष चुना जाता है तो इसका मतलब है वो अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र जो होगा वो निर्विरोध होगा, यानी बेसिकली यानी वो वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, स्पीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अनचैलेंज्ड, वो नहीं हटेगा। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ स्पीकर ही गिव्स फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति को हम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देते हैं तो बेसिकली राजनीतिक दलों से औपचारिक इस्तीफा उसे देना होता है, अपने राजनीतिक दल से, अगर मान लो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसे अपने उससे फॉर्मल रेजिग्नेशन उसको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ये फॉलो होता है यूएसए में, स्पीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी कंडीशन इज ट्रेजरी बेंच एंड अपोजिशन टाइम रेगुलेटिंग द डेथ ऑफ द अर्लियर स्पीकर, वंस अ स्पीकर ही इज सीज टू बी द पार्टी मेंबर, नो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो ये क्या यूएसए में होता है फॉलो? नो, यूके में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये जो फोटो आप देख रहे हो अभी साइड में, तो ये फोटो किसकी है? ये फोटो है जॉन ऑस्टिन की। किसकी है ये? जॉन ऑस्टिन। अब जॉन ऑस्टिन से आप लोगों के एग्जाम में बेसिकली क्या चीजें आती हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो जॉन ऑस्टिन का जो टाइम पीरियड रहा था वो 1790 से 1859 तक रहा। यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। ये फाउंडर और फादर रहे, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के फादर कहे जाते हैं। इनको जाना जाता है थ्योरी ऑफ सोवर्निटी के लिए, है ना, और लीगल पॉजिटिविज्म के लिए। तो दो टॉपिक्स हो गए, थ्योरी ऑफ सोवर्निटी और लीगल पॉजिटिविज्म। तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी? प्रोविंसेस ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस, ठीक है। तो ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्निटी जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन की। तो ये डेफिनेशन देते हैं लॉ, ये बोलते हैं ऑस्टिन की, लॉ इज अ कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सेक्शन, कानून एक मंजूरी द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑस्टिन के अनुसार कानून की परिभाषा क्या है? एक मंजूरी द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश, मतलब एक संप्रभु जो आदेश दे रहा है तो उसकी मंजूरी के बाद ही वो लाया जा रहा है, तो वो क्या है? वो कानून है। तो इसमें क्या है, इसके मूल सिद्धांत अगर आप देखोगे तो ब्रेकिंग दिस डेफिनेशन इंटू फंडामेंटल, तो कमांड, सोवरेन और सेक्शन, है ना, तीन उसमें बांट लेते हैं हम लोग। अगर आपको हिंदी देखनी हो तो आप हिंदी यहाँ से देख सकते हो। संप्रभु जिसका पालन नहीं किया जाता आकर्षित करता है, तो ये कौन डिफाइन करता है लॉ को एज अ कमांड ऑफ द सोवरेन? तो जॉन ऑस्टिन करते हैं। थ्योरी ऑफ सोवर्निटी में इन्होंने क्या क्या बताया था? तो सोवर्निटी में ये बताते हैं कि भाई देखो इन्होंने इनकी सोवर्निटी कैसी थी, चाहे वो बोडिन की हो, ठीक है, चाहे फिर वो ऑस्टिन की हो, चाहे फिर वो हॉब्स की हो, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं बेटा? ये एब्सोल्यूट सोवर्निटी की बात करते हैं,
ये बात याद रखना, इन्होंने एब्सोल्यूट सोवरनिटी की बात की थी, क्योंकि इनका जो संप्रभुता है वो राज्य के बीच भीतर पदानुक्रम साथ ही राज्यों के लिए भारी स्वायत्तता शामिल है। किसी भी राज्य में संप्रभुता उस व्यक्ति, निकाय या संस्था को सौंपी जाती है जिसके पास कानून स्थापित करने या मौजूद कानूनों को बदलने के लिए लोगों पर अंतिम अधिकार होता है। बताओ अंतिम अधिकार किसके पास होगा? अंतिम अधिकार तो सोवरेन के पास होगा ना, तो इसी वजह से। तो ये ध्यान रखना, क्या इनके सोवरनिटी, जो सोवरनिटी है इनकी, ठीक है, तो उसको कानूनों के आदेश का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो यस, ठीक है, लॉ इज कमांड। तो ऑस्टिन जो है, लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरन इम्पोजिंग द ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिबल बाय सेक्शंस। तो ये ध्यान रखना, यानी ऑस्टिन के अनुसार कानून एक कर्तव्य को लागू करने वाले संप्रभु का आदेश होते हैं। वही सेम चीज हो गई जो अभी हमने डिस्कस की थी। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो ये है चर्चिल। कौन है चर्चिल? ये देख रहे हो आप इमेज में, ये है चर्चिल। तो ये विंस्टन चर्चिल हैं। आप लोगों ने आयरन कर्टेन तो सुना ही होगा, आयरन कर्टेन। तो ईस्टर्न यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का कनेक्शन खत्म होना चाहिए। इन्होंने सीधा ये बोला कि भैया ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल खत्म करो। अब ये आयरन कर्टेन क्या था आपको पता है? आयरन कर्टेन चर्चिल बोलते हैं कि सोवियत यूनियन हैड सेपरेटेड द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज। सोवियत यूनियन ने क्या कर दिया? सोवियत संघ ने जो पूर्वी देश थे, पूर्वी देश और यूरोपीय देशों को पश्चिमी से अलग कर दिया, पूर्वी देशों को पश्चिमी देशों से अलग कर दिया, यानी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ताकि किसी को पता ना चल सके कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और उन्होंने लोह शब्द का प्रयोग ये दर्शाने के लिए किया कि ये अभेद्य है। तो चर्चिल बोलते हैं सोवियत यूनियन हैड सेपरेटेड द ईस्टर्न यूरोप कंट्री फ्रॉम द वेस्ट सो दैट नो वन नो व्हाट वॉज गोइंग टू बिहाइंड द कर्टेन। कर्टेन के पीछे क्या चल रहा है? ही यूज द वर्ड आयरन टू सिग्निफाई द इट वॉज इम्पेनिट्रेबल, यानी कि ये कैसा है? ये अभेद है। तो चर्चिल जो है वो लोहे लोहे का पर्दे का वर्ड का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना अच्छा, ये जो आयरन कर्टेन है ये कब का है, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। तो आयरन कर्टेन आप लोगों को पता ही होगी, इनकी स्पीच भी थी, है ना, आयरन कर्टेन स्पीच। तो कब की थी? 5 मार्च 1946। और ये फ्रेम क्या था? आयरन कर्टेन स्पीच, है ना, कोल्ड वॉर मेड द हाउस होल्ड फ्रेसेस। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं लुईस डुमोंट। अच्छा, लुईस डुमोंट आपको याद है कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होमो हिरार्कियस। ये वर्ड याद रखना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वैसे लिख देती हूँ, होमो हिरार्कियस। तो ये जो लुईस डुमोंट है, इन्होंने होमो हिरार्कियस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि होमो हिरार्कियस क्या है। अच्छा, लुईस डुमोंट तो आपको दिख ही रहे होंगे इमेज में, है ना, लुईस डुमोंट आप सबको नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो होमो हिरार्कियस करके है, तो होमो हिरार्कियस जो है वो बेसिकली भारतीय जाति व्यवस्था ड्यूमोंट का ग्रंथ है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था, होमो हिरार्कियस एसे सिस्टम दिस कास्ट, ठीक है, इस तरह से ही है ये। तो लुईस डुमोंट ट्रीटीज ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम, तो ये एनालाइज करते हैं कास्ट हिरार्की को, ठीक है, लोअर कास्ट टू फॉलो द हैबिट्स ऑफ हायर कास्ट। तो इन्होंने क्या किया था? ये उच्च जातियों की आदतों का पालन करने के लिए निम्न जातियों में जाति पदानुक्रम और उत्थान की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हैं। इसीलिए इन्होंने, जैसे MN श्रीनिवास आपको पता है, उन्होंने संस्कृताइजेशन वर्ड को कॉइन किया था, याद है, MN रॉय। तो संस्कृताइजेशन, तो संस्कृताइजेशन MN रॉय थे या MN श्रीनिवास थे? भाई MN श्रीनिवास थे, है ना, MN रॉय थोड़ी थे। तो संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण शब्द का यूज किसने किया है? तो वो किया है MN श्रीनिवास ने। किसने किया? MN श्रीनिवास। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो होमो हिरार्कियस समझ आया? होमो हिरार्कियस क्या है? होमो हिरार्कियस का मतलब है उच्च जाति, जो उच्च जाति है ना, उच्च जाति और निम्न जाति है, तो उच्च जातियों का पालन करने के लिए निम्न जातियों के पदानुक्रम और उत्थान की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है, ठीक है, ताकि वो मेंटेन हो पाए, वो चीजें मेंटेन रह पाए, अपर कास्ट मेंटेन रहे। इसलिए अब देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इन्होंने ही क्लासिफिकेशन किया है। अब जैसे वर्ण जो होते हैं, आपको पता ही है वर्ण, वो वर्ण तो आप आराम से कर लोगे, ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, ये तो आप आराम से कर लोगे। चलो सीबी मैक पर्सन पे चलते हैं। अब आप सबको पता ही होगा जो सीबी मैक पर्सन है, इन्होंने क्या, कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो इन्होंने दी थी पॉजिटिव
इंडिविजुअलिज्म, तो जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है तो वो बेसिकली इन्होंने ही दी थी। तो ये जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म देख आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, तो ये जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म ये दी थी सीबी मैकपर्सन ने। किसने दी थी? सीबी मैकपर्सन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें एक व्यक्ति को उसके कौशल के एकमात्र मालिक के रूप में माना जाता है। जैसे मान लो अब आप हो, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आप मतलब एक व्यक्ति है ना, तो आप बेसिकली अपने अपने शरीर पर अपने मालिक हो गए ना, अपने स्किल्स के आप मालिक हो ना, बिल्कुल हो। तो यही चीज़ वो बोलते हैं, ठीक है। तो वो यही चीज़ बोलते हैं कि उसके व्यक्ति जो होता है उसके कौशल का एकमात्र मालिक कौन होता है, खुद व्यक्ति होता है, और उसके लिए समाज के लिए कुछ भी नहीं है, वे मानवीय शक्तियाँ थी, मैकपर्सन ने दावा किया था। तो मैकपर्सन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम, अगर क्वेश्चन आ जाए क्रिएटिव फ्रीडम किसका है तो याद रखना किसका है, सीबी मैकपर्सन का, क्रिएटिव फ्रीडम इन्हीं का हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी बुक, सीबी मैकपर्सन, वेरी गुड। रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इनविजिबल हैंड और जॉन ऑस्टिन का है ना, इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का है मनीषा, ठीक है। इनविजिबल हैंड किसका है, देखो अगर कभी याद नहीं रहता है तो मैं आपको बता देती हूँ, इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ, और जो विजिबल हैंड है वो कीन्स, ठीक है। वो किसकी, वो किसका हो जाएगा, वो कीन्स का हो जाएगा। तो सीबी मैकपर्सन क्या मार्क्सिस्ट है, तो यस, उनको मार्क्सिस्ट ही बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। और स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक मानने वाले विचारक कौन कौन से, देखो लिबर्टी इक्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं, जो ये भी पेपर में आता है, ये पेपर में आता है कि इक्वालिटी को, लिबर्टी को इक्वालिटी को, दोनों को क्या माना जाता है, एक दूसरे का पूरक। तो ये कौन कौन हो जाएंगे, आर एस टोनी, लास्की है ना, मैकपर्सन, तो ये सब हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, पंचायत पूछी जाती है, तो देखो जो इंडिया में पंचायत बोलते हैं, इसराइल में क्या बोलते हैं, किबुत्स, किबुत्स बोलते हैं, इसराइल में किबुत्स बोला जाता है। तो किबुत्स जो होता है ना वो बेसिकली पंचायतों को ही बोला जाता है, किबुत्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके रोनाल्ड लॉम्पेन वत्स, तो लॉ जो रोनाल्ड वत्स हैं तो ये किसके लिए जाने जाते हैं बताओ, ये जाने जाते हैं बेसिकली जो जो आपके रोनाल्ड वत्स हैं, तो रोनाल्ड वत्स बेसिकली जाने जाते हैं पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी, रोनाल्ड वत्स ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी में डिफरेंस करते हैं, इन्होंने पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी में डिफरेंस किया था, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो है ना 1990 के दशक में संघीय प्रणाली की तुलना विकसित औद्योगिक समाजों के उदाहरण के रूप में अध्ययन किए गए देशों में, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब शामिल थे। और इन्होंने भारत का, मलेशिया का, जो बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक कंट्रीज हैं है ना, और बेल्जियम और स्पेन उभरती हुई संघीय प्रणालियों के उदाहरण के रूप में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ को, बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ सोवर अथॉरिटी, जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये सब किसका हो जाएगा, जोन ऑफ इंडिफरेंस, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ सोवर अथॉरिटी, तो ये बेसिकली चेस्टर बर्नार्ड का। तो चेस्टर बर्नार्ड बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, कौन कौन सी, द फंक्शन ऑफ द कब की होगी, 1938, और दूसरी बुक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये 1948 की हो जाएगी, हो जाएगी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी करते हैं, ओके एवरीवन। उसके बाद देखो जो हमारे बर्नार्ड हैं, तो बर्नार्ड ने, चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बताया था, थ्री मेन एलिमेंट्स बताए थे ऑर्गेनाइजेशन के। तो बर्नार्ड ने थ्री टाइप्स के फंक्शन बताए थे, एग्जीक्यूटिव की वो फॉर्मल परफॉर्म करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जीक्यूटिव है ना, मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को, सिक्योर करती है एसेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिविजुअल है ना, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ध्यान रखना। बर्नार्ड व्यूड सपोर्ट ईच अदर, तो इसके अलावा अगर आप देखो तो मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन आया कि
कि इकोनॉमिक इंसेंटिव को, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा पिछली बार यही आया था, इकोनॉमिक इंसेंटिव को सपोर्ट कौन करते हैं? जब इकोनॉमिक इंसेंटिव को सपोर्ट करने की बात आती है तो इकोनॉमिक इंसेंटिव को सपोर्ट किसने किया बताओ? इकोनॉमिक इंसेंटिव को सपोर्ट जो करते हैं वो बेसिकली करते हैं टेलर, ठीक है? कौन करते हैं? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात करते हैं टेलर, टेलर करते हैं। और अगर बात आ जाए कि जनरल इंसेंटिव की बात किसने की थी, जनरल इंसेंटिव, तो जनरल इंसेंटिव वाले तो बेसिकली क्या करेंगे, क्रिटिक करेंगे ना इसको, इकोनॉमिक इंसेंटिव को। तो इसकी बात करते हैं बर्नार्ड, है ना? इसकी बात कौन करते हैं? बर्नार्ड करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बर्नार्ड ने ना करेक्टरिस्टिक्स बताए थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, देखो ये रहे, ठीक है? वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला सिस्टम, दूसरा डीपर्सनलाइजेशन और तीसरा स्पेशलाइजेशन। तो बर्नार्ड स्टेट दैट मॉडर्न सोसाइटी द कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर कॉरपोरेशन दैट मस्ट बी ऑलवेज पर्सन होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और बर्नार्ड डिस्क्राइब करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ, तो वो कैसे बताते हैं कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा बेसिकली, वहाँ पर इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बेसिकली फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे। अच्छा, जोन ऑफ इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो जोन ऑफ इंडिफरेंस आप लोगों को सबको नज़र तो आ रहा है ना, या बहुत छोटा नज़र आ रहा है? देखो बच्चों, अगर छोटा नज़र आ रहा है ना तो आपको क्या करना है, आप ना सेटिंग पे क्लिक करके, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी ना वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लेना, ठीक है? चेंज कर लेना वीडियो क्वालिटी। अरे पूरा पूरा दिख रहा है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैंने अभी देखा, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी को अगर पता है, ये वाली जो PDF है ना 75 पेज की है, और ये 75 पेज वाली अगर, इसमें सब इम्पोर्टेंट ही है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट, जो लास्ट मिनट में करना होता है ना कि हाँ भाई बच्चा जो कर ही जाए, तो वो बेसिकली है इसमें। और यहाँ से पेपर में जरूर आएगा, पक्का आएगा, ठीक है? मुझे भी तब छोटा दिख रहा था, अब नजर आ रहा है, ठीक है? चलो, तो ये ध्यान रखना। तो कौन, जोन ऑफ इंडिफरेंस जो एसोसिएटेड है वो किससे रिलेटेड हो जाता है? जोन ऑफ इंडिफरेंस वो अथॉरिटी को बताते हैं, है ना? अथॉरिटी को बताते हैं। तो यहाँ पर जोन ऑफ इंडिफरेंस में उन्होंने बताया था कि तीन, इसमें ना तीन तरीके के डिसीजंस होते हैं। जैसे मान लो आपने बोला कि जाओ और ना मेरे लिए एक ग्लास में पानी लेकर आओ, तो आपके छोटे भाई ने सुना कि हाँ भाई दीदी कुछ बोल रही है ना? छोटे भाई ने सुना कि दीदी कुछ कह रही है, भाई कुछ कह रहा है, उसके बाद उसने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया, नहीं करता मैं नहीं जा रहा पानी लेने, ठीक है? यहां पर कौन सा आएगा, नॉट एक्सेप्ट, उसने बिल्कुल मना कर दिया, भाई तू याद कर वो दिन, याद कर 26 तारीख थी, फरवरी का महीना था, मैंने भी तुझसे पानी मांगा था, तूने दिया था? तूने क्या बोला था, खुद जाके ले ले, है ना? आपको डेट सब कुछ याद दिला दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या आता है, दूसरे में जैसे मान लो हमने बेसिकली अपने भाई या बहन से पानी मांगा, और यहां पर उसके मूड पर डिपेंड है, अगर उसका मूड अच्छा है तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट भी हो सकता है, अगर उसका मूड खराब है तो वो ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है ना? वो ऑर्डर 10:10 की बात भी उस दिन याद कर, अच्छा, तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है ना, ये उसके मूड के ऊपर बात है बेसिकली। तो जो मतलब ऐसी हो जाते हैं वो सेकंड वाली कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वाले में होते हैं जो अनकोशनली एक्सेप्टेबल होते हैं, देखो लिखा है विच विल क्लियरली बी, देखो जो अनकोशनली अभी एक्सेप्टेबल, जो अनकोशनली एक्सेप्टेबल होते हैं वो आते हैं आपके जोन ऑफ इनडिफरेंस में, जिसको मानना ही मानना है, जिसको मानना ही मानना है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर कुछ बच्चों को अगर यहाँ से लगे कि हाँ मैम ये वाला यहाँ से क्या आ रहा है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, 1 मिनट वेट, जो हमारे चेस्टर बर्नार्ड है वहीं से दिखा देती हूँ, ठीक है? फिर मैं इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन कर दूंगी। देखो चेस्टर बर्नार्ड ये रहे, ओपन हो गए,
ये लो हमारे चेस्टर बर्नार्ड ओपन हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये देखो जोन ऑफ इंडिफरेंस एक एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये डिपेंड करती है जो क्लियरली अनएक्सेप्टेबल होते हैं जा और खुद जाके पानी ले, तो वो आते हैं पहली कैटेगरी में। वो वाले कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फर्स्ट कैटेगरी में, जा और खुद पानी ले जाकर। जो न्यूट्रल होते हैं, जो मूड पर डिपेंड होते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेकंड कैटेगरी में। और थर्ड वाली कैटेगरी जो होती है, जो अनकोशनली एक्सेप्टेबल होते हैं, जो हम चलाते हैं अपनों से छोटों पर, ठीक है, जैसे मान लो एक हमसे छोटा है और उससे भी एक छोटा है, यानी हमसे तीसरे नंबर वाला, ठीक है, अब आपसे कोई से भी नंबर वाला हो सकता है, चौथे नंबर वाला हो सकता है, तो जिस पर हम इस पर हुक्म जब चलाते हैं, ठीक है, तो अगर ये पानी नहीं लाया तो ये पिटा है ना, तो ये पिटाई के डर से कि हाँ भाई मार वार देगा या मार वार देंगी, तो इसलिए ये भैया इनको दे दो गिलास पानी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अनकोशनली एक्सेप्टेबल होते हैं। यहाँ पर आपको डेट, तारीख, सेकंड्स याद दिलाए नहीं जाएंगे, आपको तुरंत पानी लाके दे दिया जाएगा, क्योंकि डर है कि कहीं आप उसे, आप उसकी कुटाई ना कर दें। तो जो ऑर्डर जो होते हैं, जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, वो होते हैं जोन ऑफ इनडिफरेंस। तो यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और यहाँ पर भी खौफ है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये बेसिकली जोन ऑफ इंडिफरेंस में आ जाते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब जो जो ये क्लियरली क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है ना, जो क्लियरली एक्सेप्टेबल होते हैं तो वो हो जाएंगे जोन ऑफ इंडिफरेंस में। अब रिसोर्सेज एग्लिटेरियन कौन है? जॉन रॉल्स है ना। तो ये बेसिकली जो रिसोर्स एग्लिटेरियन वाले होते हैं वो किस पर बात करते हैं? ये बेसिकली जस्टिस पर बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, और इक्वालिटी की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, सोशल कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एग्लिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी थी? एग्लिटेरियन थ्योरी अगर आप देखो तो ये जॉन रॉल्स से ही रिलेटेड हो जाती है। और एग्लिटेरियन के जो पिता बोला जाता है ना, एग्लिटेरियन के फादर, तो एग्लिटेरियन के फादर किसको बोला जाता है? रोनाल्ड ड्वर्किन को। तो रोनाल्ड ड्वर्किन को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उनको कंसीडर किया जाता है कि वही है इनके पिता। इसके बाद देखो, यहां पर आप देख सकते हो कम्युनिटेरियन फिलोसफी जॉन रॉल्स, ठीक है, वो 20th century के अमेरिकन फिलोसोफर, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइव की एग्लिटेरियन फिलोसोफर, है ना। तो कौन कंसीडर करता है जस्टिस को एज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? तो जॉन रॉल्स करते हैं, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने आप लोगों को पता ही होगा थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, है ना। यहाँ पर देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग जॉन रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आपको पता है ना, जो आपके प्रिंसिपल्स थे जस्टिस के, उसमें दो प्रिंसिपल्स को बताया गया था। पहला बताया गया लिबर्टी को, लिबर्टी, और दूसरा बताया गया इक्वालिटी को। इक्वालिटी में दो बताया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, दूसरा क्या होगा, डिफरेंस प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। कैच ऑल पार्टी मॉडल किसने दिया था? कैच ऑल पार्टी मॉडल जो दिया था वो दिया था ऑटो किर्जीमर ने, ऑटो किर्जीमर, ठीक है। तो ऑटो किर्जीमर देते हैं कैच ऑल पार्टी मॉडल को, ठीक है। तो कैच ऑल पार्टी मॉडल जो था पार्टी सिस्टम का, तो ये कॉन्सेप्शन जो है कैच ऑल पार्टी का, मोर कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है किसकी? पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनकम पास करती है इंटर रिलेटेड पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। तो ये ऑटो किर्जीमर ने दी थी। अब देखो, जो ये कैच ऑल पार्टी है, ये यूज की जाती है पॉलिटिकल पार्टी किसकी? पॉलिटिकल पार्टी ऑफ प्रिमिटिंग और इनकरेजिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर आप देखो तो कैच ऑल पार्टी का उपयोग किसी राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच व्यापक स्पेक्ट्रम की अनुमति देना, प्रोत्साहन करना नीति का, जैसे अगर कोई मान लो नीति बनी उसको सबके सब इनकरेज कर रहे हैं, है ना, तो इससे रिलेटेड है। ये अन्य दलों के विपरीत है, ठीक है, ये विचारधारा का बचाव करते हैं, मतदाताओं की तलाश करते हैं, तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। ऑटो किर्जीमर कैच ऑल पार्टी मॉडल ऐसे याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसकी बुक है?
द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन थॉमस कुन की है, थॉमस कुन. तो थॉमस कुन ने बेसिकली दिया था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अब थॉमस कुन किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, है ना. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबवर्ट द एग्जिस्टिंग, यहाँ पर देखो छोटा कर लेते हैं इसको, देखो हाउ डज थॉमस कुन एक्सप्लेन साइंटिफिक रेवोल्यूशन. तो वो क्या करते हैं, वो सभी धारणाओं को, बदलाव तब होता है जब वैज्ञानिक अभ्यास की मौजूदा परंपरा को नष्ट कर देती है. मतलब वैज्ञानिक अभ्यास जो है वो मौजूदा परंपरा को जब नष्ट कर देती है तब क्या होता है, तभी ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन को बताते हैं, ठीक है. इन्होंने और पैराडिज्म शिफ्ट जो है, हु कॉइंड द टर्म पैराडिज्म शिफ्ट, तो पैराडिज्म शिफ्ट शिफ्ट ये जो वर्ड है पैराडिज्म शिफ्ट, इस टर्म को कॉइन किसने किया था, थॉमस कुन, ठीक है, थॉमस कुन ने किया था. तो ये याद रखना, ठीक है. और थॉमस कुन का देखो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ये थॉमस कुन जो आपको नजर आ रहे हैं इमेज में, ही थॉमस कुन हो जाएंगे. अब इसके बाद देखो कौन मानता है, कौन कहता है रिलीजन इज फॉर मैन, नॉट मैन फॉर रिलीजन. धर्म इंसान के लिए, धर्म व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धर्म के लिए. किसने बोला था, अंबेडकर ने. किसने बोला था, अंबेडकर. तो बेसिकली ये अंबेडकर बोलते हैं. और इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप देखो, बहिष्कृत भारत है, समाज जो है आपका, समता सैनिक संघ है, जेंडर इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय अंबेडकर, ग्रेडेड इनइक्वालिटी. तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हमारे अंबेडकर ने दिया था. यस, अंबेडकर ने दिया था. तो ये ध्यान रखना, ठीक है. आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा. उसके बाद देखो इन्होंने गांधी जी को, पंचायती राज दोनों को अपोज किया था हमारे इन्होंने. यस करते हैं ना. डिप्रेस क्लास एसोसिएशन किसका है, 1924 का, अंबेडकर का है. समाज समता संघ 1927 का है, ठीक है. समता सैनिक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये 1936 की है ना. और बायोग्राफी इनकी कौन सी है, वेटिंग फॉर वीजा अनटचेबिलिटी है, ठीक है. मूक नायक है, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे ये, ठीक है. और मॉडर्न मन्नू अंबेडकर को बोला जाता है. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो ये ध्यान रखना. और बुक्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये सारी बुक्स दे रखी हैं. देखो ये बुक्स हैं, बुक्स एक बार देख लेते हैं. कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेंसिस एंड डेवलपमेंट, मूक नायक, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बहिष्कृत भारत, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रनाडे गांधी जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव टू डन अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पोर्शन पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटी, हु वर द शूद्रास, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, द अनटचेबल, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा इन इज धम्मा, रिडल्स इन हिंदुज, मनु एंड इन एंड द शूद्रास. तो ये हो जाएगा. गुरु अंबेडकर के कौन थे, कबीर, ज्योतिबा फुले और बुद्धा. तीन लोगों को बी आर अंबेडकर ने, तीन लोगों को अपना गुरु बताया था, कबीर को, ज्योतिराव फुले और बुद्धा, ठीक है. इनको बताते हैं कि मेरे तीन ही गुरु हैं. इसके बाद न्यू फंक्शनलिज्म थ्योरी किसने दी थी, न्यू फंक्शनलिज्म थ्योरी दी थी अर्नेस्ट हास ने. तो अर्नेस्ट हास, और ये ध्यान रखना अर्नेस्ट बी हास इन्होंने दी थी. और ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. न्यू फंक्शनलिज्म जो है वो सभी एकीकरण, पिछले एकीकरण का परिणाम है और ये रिजल्ट है पास्ट इंटीग्रेशन का, ये माना जाता है ना. जो टर्म है वो यूज़ की गई, लिटरली डिस्क्राइब द सोशल थ्योरी दैट इज पोस्ट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे. इसके बाद देखो इंस्टीट्यूशनल रिवॉर्ड सिस्टम किसकी है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉर्ड सिस्टम ये देख रहे हो, पॉल आर ब्रास. तो पॉल आर ब्रास, ठीक है, पॉल आर ब्रास की हो जाएगी. तो ये ध्यान रखना इंस्टीट्यूशनल रिवॉर्ड सिस्टम किसका है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉर्ड सिस्टम पॉल आर ब्रास का है. और ये जो टर्म था वो इन्वेंट किया था प्रोफेसर पॉल आर ब्रास ने 2004 में, अपनी कौन सी बुक में, प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्ररी इंडिया. तो
तो ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। इन्होंने थ्री फेजेस बताए, ठीक है, प्रिपरेशन फेज, एक्टिवेशन फेज और एक्सप्लेनेशन फेज। तो तीन फेजेस बताते हैं इनकी बुक, देखो। एंड इंडियन पॉलिटिकल लाइफ है, पॉल आर ब्रास, शरण सिंह, है ना, और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, रियॉट एंड प्रोग्राम्स है, और फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाएंगी किसकी, ये हो जाएंगी हमारे पॉल ब्रास की, पॉल ब्रास की हो जाएंगी। उसके बाद पेट्रोनेज भी, डेमोक्रेसी किसका है, अगर पेट्रोनेज डेमोक्रेसी पूछा गया तो क्या नाम आएगा, किन की फोटो है ये, कंचन चंद्रा, यस। तो कंचन चंद्रा, तो कंचन चंद्रा अगर आप देखो तो ये बेसिकली किस पर लिखती हैं, ये एथनिक पार्टी सक्सीड, ये इनकी बुक्स हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों, वाई एथनिक पार्टी सक्सीड पेट्रोनेज एंड एथनिक हेड काउंट्स इन इंडिया, डेमोक्रेटिक डायनेसिटी, साउथ एशिया एडिशन, स्टेट पार्टी एंड फैमिली इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये इनकी हो जाएगी। इन्होंने जातीय समूहों के समर्थन को आकर्षित करने में सफल रही है, ठीक है, और ये इन्हीं चीज़ों पर बोलती हैं, जातीयता पर वो लिखती हैं, ठीक है। और इनका देखो, फिर आते हैं आपके द्वैपन भट्टाचार्य। द्वैपन भट्टाचार्य आप सबको याद होंगे, द्वैपन भट्टाचार्य की कौन कौन सी बुक हो जाएंगी, ये देखो, इंट्रोगेटिंग सोशल कैपिटल, इंट्रोगेटिंग सोशल कैपिटल है, और ये वाली है गवर्नमेंट और एज प्रैक्टिस, और ये, ठीक है। तो ये देखो दोनों बुक यहाँ पर लिखी हुई है, गवर्नमेंट एज प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक लेफ्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2016 की है, और इंट्रोगेटिंग सोशल कैपिटल इंडियन एक्सपीरियंस ये 2004 की है, ठीक है। और बुक, इसमें चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो इसमें उन्होंने लेफ्ट इन लार्ज पार्टी सोसाइटी के बारे में लिखा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद नॉलेज ऑफ पावर की बात कौन करते हैं, माइकल फुकोल्ट, और ये कौन है बेटा, ये हैं आपके, यस, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, है ना। पावर एज अ कैपेबिलिटी एक्शन को कौन बताते हैं, पावर को एज अ कैपेबिलिटी एक्शन बताते हैं, माइकल फुकोल्ट। तो माइकल फुकोल्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये ध्यान रखना। इनकी देखो रिमार्केबल मैडनेस इन सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसमें उन्होंने बर्थ ऑफ ये बताया है कि कैसे बर्थ जो है चीजों का होता है। इसमें देखो पावर नॉलेज, ये इनकी बुक है, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के पावर को बताया था। इसमें एक आप लोगों की आई थिंक नहीं है, है ना, सोवरेन पावर, डिसिप्लिनरी पावर, रेगुलेटरी और बायो, है ना। रुको रुको रुको, पावर जो थी आप लोगों की, वो माइकल फुकोल्ट ने जो पावर बताई थी, बताओ जल्दी से, फुकोल्ट ने जो टाइप्स ऑफ पावर बताई थी, तो यस, चार प्रकार की हैं। एक तो सोवरेन पावर हो गई, ठीक है, डिसिप्लिनरी पावर हो गई, और फिर आपकी देखो ये ठीक है वाली, लेकिन चार हम वैसे लिख देते हैं, जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, सोवरेन पावर, डिसिप्लिनरी पावर, पेस्टोरल पावर और बायो पावर, ठीक है। तो ये बेसिकली माना जाता है कि ये चार बेसिकली दी थी उन्होंने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके एवरीवन, तो ये इसमें सो रेगुलेटरी में पावर में कंट्रोल द एंटायर पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी के मींस फॉर पॉलिटिकल स्ट्रा। देखो अब नेक्स्ट जो आते हैं आपके, वो आप ये वाले लिखना, चार जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, सोवरन, डिसिप्लिनरी, पेस्टोरल और बायो। ओके, इसके बाद देखो, देयर इज ऑलवेज फॉर सम वन फॉर सम पर्पस। कुछ याद आया, कुछ भी थोड़ा बहुत आता है पेपर में, ये आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आपने देखा होगा, रॉबर्ट कॉक्स का, कि हमेशा सिद्धांत जो होते हैं वो किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए ही होते हैं। तो ये कौन बोलते हैं, रॉबर्ट कॉक्स बोलते हैं। न्यू मार्क्सिस्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज वॉट वी इन द थर्ड वर्ल्ड हैव द सर्वल सेंचुरीज कॉल कॉलोनाइजेशन। तो ये मार्टिन खोर ने बोला था, किसने बोला था, मार्टिन खोर, लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो। तो ये रहा ग्लोबलाइजेशन इज वॉट वी इन द थर्ड वर्ल्ड, देखो वैश्वीकरण है जो हम है तृतीय विश्व में, है ना, और किसके लिए, फॉर सर्वल सेंचुरीज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशवाद। तो ये औपनिवेशवाद मार्टिन खोर बात करते हैं इसकी, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे।
इसके अलावा अगर आप देखो तो रॉबर्ट कॉक्स क्या क्रिटिकल थ्योरिस्ट से भी, क्रिटिकल थ्योरिस्ट भी हैं? तो यस, क्रिटिकल थ्योरिस्ट में भी नाम आता है। स्ट्रगल फॉर पावर अगर आप देखो तो मॉर्गन थाउ की है। रियल स्कूल पॉलिटिक अमंग नेशन है, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस है, ठीक है, 1948 की बुक है इनकी। और इन्होंने ह्यूमन नेचर को कैसा बताया कि भाई ह्यूमन नेचर में ही रूट होती है किसकी, स्ट्रगल की। इन्होंने सिक्स बताए थे ना, आप लोगों को पता होगा, तो इन्होंने सिक्स प्रिंसिपल्स बताए थे, सिक्स प्रिंसिपल रियलिस्ट स्कूल के। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, लॉज दैट हैव द रूट इन ह्यूमन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। बच्चा क्या होता है, बच्चा देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा ना मतलब रिविजन ठीक से नहीं कर पाता है, बच्चे को जब ढंग से रिविजन हो नहीं पाती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पढ़ा नहीं है, बच्चे ने पढ़ा है, बट वहां पर जो टाइम होता है बच्चे को आता हुआ भी गलत कर देता है। तो वही चीज आपको नहीं करनी है, वही चीज हमारे स्टूडेंट्स को नहीं करनी, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको रिविजन करनी है। तो मॉर्गन थाउ अगर आप देखो तो मॉर्गन थाउ ने सिक्स प्रिंसिपल्स जो बताए थे, सिक्स प्रिंसिपल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था। क्या पता इस बार आपसे जो है वैसी चीजों को पूछ लें, ठीक है, कि कौन सा नहीं है ऐसे पूछ लें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, ठीक है, फिर डिफाइन करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को पावर में, फिर डायनेमिक होती है, ठीक है, फिर इसमें बात की किसको अपना ऑप्टेन नहीं अप्लाई किया जा सकता है, कैन नॉट बी अप्लाई टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और यहाँ पर नेशन एंड यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल डिफरेंस करते हैं वो, फिर वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं लास्ट में, ठीक है, लास्ट में वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं। चलो सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंथिया इनलो और मायरन विनर, बस इन दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर हम कल मिलेंगे। तो वेयर आर द वुमेन किसकी है, सिंथिया इन लॉ की। तो सिंथिया इन लॉ जो है वो बेसिकली किस में जानी जाती हैं, तो ये देखो महिला अध्ययन किया था इन्होंने, वुमेन स्टडीज, ठीक है, तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट जो रही डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डायरेक्टर रही वुमेन स्टडीज की क्लार्क यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों पर भी शोध किए हैं। तो वेयर आर द वुमेन सिंथिया इन लॉ है, और ये बेसिकली फेमिनिस्ट हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। सन ऑफ द सॉइल माइग्रेशन एंड एथिक्स कन्फ्लिक्ट इन इंडिया किसकी है, मायरन विनर की, ठीक है, भारत में आंतरिक प्रवास और प्रजातीय संघर्ष के बीच संबंधों का मायरन विनर के अध्ययन दो कारणों से असाधारण है। अच्छा उस दिन मैंने एरिस्टोटल के आप लोगों को मैं वो बता रही थी, एक बार 2 मिनट रुकना बता के जाऊंगी, मैं बार बार पता भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग में तो रहता है कि आज मैं बच्चों को बता दूंगी वो वाला, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाता है इस टाइम तक। 2 मिनट रुको बस। एक क्वेश्चन था आपको याद हो तो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यहाँ पर आ जाओ, एरिस्टोटल ने जो वो नहीं बताए थे कॉजेस बताए थे गति के ये वाले, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बताना थोड़ा सा। एम हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, एफ हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है, मैटीरियल कॉज, मैटीरियल कॉज से स्टार्ट होगा ये, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ठीक है, तो यहां पर जो आएगा आपका, सबसे पहले मैटीरियल कॉज आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका एफिशिएंट कॉज आएगा, फिर फॉर्मल कॉज आएगा, और सबसे लास्ट में फाइनल कॉज आएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय टू ऑल। अब हम